आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है दैट इज द आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई का क्या मतलब है? द रेडियस ऑफ एन आयन। किसी भी आयन का जो रेडियस है वो आयनिक रेडियाई होगा। जाहिर सी बात है, आयन का रेडियस उसके एटम के रेडियस से डिफरेंट होगा। इसी वजह से जो है हम इसको सेपरेटली है वो स्टडी कर रहे हैं। दिस इज़ द आयनिक रेडियाई। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ आयन। आयन इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल, राइट? हाउ आयन इज़ फॉर्म्ड? विद द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपके प्रीवियस क्लासेस में और इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करके आए हुए हैं। अब आयन दो तरह का होता है। आयन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज द कैट आयन, विच इज द पॉजिटिव आयन, एंड नंबर टू इज द एन आयन, विच इज द नेगेटिव आयन। अब हाउ कैटाइन इज फॉर्म्ड एंड हाउ एनाइन इज फॉर्म्ड, लेट मी रिमाइंड इट फॉर यू। क्या होता है कि जब भी एन एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास जो चीज़ बचती है वो बनता है कैट आयन, या जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। क्या होता है, फॉर एग्जांपल, अगर ये एक एटम है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल मौजूद थे, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ बाहर इसमें से, तो मेरे पास पीछे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और ओवरऑल इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा, पॉजिटिव वन, और मैं कहूँगा दिस इज़ अ कैट आयन। सिमिलरली अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लूँ तो मेरे पास जो चीज़ बचेगी वो विदाउट इलेक्ट्रॉन प्लस टू, ये चीज़ बच जाएगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे उतना नंबर ऑफ चार्ज आपके आयन के ऊपर आ जाएगा। दिस इज़ हाउ द कैटाइन इज़ फॉर्म्ड एंड हाउ एनाइन इज़ फॉर्म्ड। एनाइन इज़ दी नेगेटिव आयन। अब एनाइन कैसे फॉर्म होता है? जब भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास एक इसमें दो और इसमें अगर एक शेल था जिसके अंदर सात इलेक्ट्रॉन थे और एक बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इसके अंदर, अब अगर इसके अंदर जो हैं, अब सात तो पहले थे, एक जो न्यू आ गया, तो इस न्यू के आने की वजह से इस पूरे का जो बैलेंस था चार्ज का वो डिस्टर्ब हो गया। क्यों? न्यूक्लियस में सात और दो नौ प्रोटॉन मौजूद थे और नौ ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद थे और ये न्यूट्रल था, लेकिन इसकी न्यूट्रलिटी जो है वो ख़त्म हो गई एक और इलेक्ट्रॉन के आने से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से अब पॉजिटिव तो नाइन ही है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नाइन ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 10। तो नाइन नाइन को कैंसिल करेगा और माइनस वन इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इस तरह अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं तो फिर माइनस वन की बजाय माइनस टू चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ एन आयन इज़ फॉर्म्ड अपने एटम से। अब हम देखते हैं कि एटम का जो रेडियस है और आयन, उसी एटम का आयन बनने के बाद जो रेडियस है उसमें कितना को फ़र्क जो है वो आता है, वो हम इसको अभी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटाइन की। कैटाइन का जो रेडियस है, कैटाइन रेडियस इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट।
अगर एक एलिमेंट ए है और उसका एटॉमिक रेडियस मैं कहता हूँ एक्स था, अब ये एटॉमिक रेडियस जब कैटेन बन जाएगा तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वाई, ये कम होगा, वाई वुड बी लेसर देन दी एक्स। इसकी वजह अभी हम देखते हैं, फिलहाल ये आपको याद होना चाहिए दैट कैट आयन का रेडियस इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज मेड, जिस भी एटम का है। अब हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं सोडियम की, सोडियम Na11। इस सोडियम एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज 186 पिकोमीटर, लेकिन जब यही सोडियम प्लस वन बन जाता है तो इसका जो आयनिक रेडियस होता है दैट टर्न्स आउट टू बी 95 पिकोमीटर। इतना ज़्यादा, तकरीबन आधा फर्क जो आता है एक सोडियम के एटम के आयन बनने में उसके रेडियस में, उसकी वजह क्या है उसको जो है हम अभी देख लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास, अगर मैं ड्रॉ करूँ न्यूक्लियस पहले शेल में दो दूसरे शेल में आठ, आई एम ड्राइंग बेसिकली सोडियम 11, और तीसरे शेल में एक, ये था जी सोडियम 11 जिसका साइज था 186 पिकोमीटर। मैंने क्या किया, मैंने उठा के इसको नॉकआउट कर दिया, इसके बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये बन गया है सोडियम प्लस वन। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, पहले में दो दूसरे में आठ और बाहर तीसरे में कोई भी नहीं, क्योंकि तीसरे में एक था उसको आपने रिमूव कर दिया। तो जाहिर सी बात है अब ये आपके सामने नजर आ रहा है कि एक शेल की जो है वो कमी वाकया हो गई है, जिसकी वजह से 186 पिकोमीटर से ये आ गया है 95 पिकोमीटर से। लेकिन समटाइम्स आपके पास, ज़रूरी नहीं कि हर पॉजिटिव आयन बनने में ये शेल की कमी वाकया हो, अगर बाहर वाले शेल में तीन होते और मैं एक उड़ा देता, एक को निकाल देता, तो पीछे शेल बचना था और जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होने थे, लेकिन साइज़ उसका फिर भी कम हो जाना था, क्योंकि साइज़ के कम होने की असल वजह शेल के कम होना नहीं है, असल वजह उसकी ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा हो गया है इस केस में। यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज कितना था, 11, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद थे, 11, जो कि 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना है, वो तो अभी 11 ही है, लेकिन ये 11 के 11 प्रोटॉन्स जो उनसे न्यूक्लियस में मौजूद हैं, ये खींच कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर का चार्ज जो है बढ़ गया है। इस मैग्नेट, जो न्यूक्लियस मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा होता है, उसकी पावर बढ़ चुकी है, अब वो ज़्यादा पावर से अपने गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से आपके पास ये चेंज आया कि पहले 186 था और अब ये 95 पिकोमीटर हो गया है। फिर वो आपकी बुक में ये भी मेंशन करता है कि अगर मैं डाइवेलेंट आयन या ट्राइवेलेंट आयन बनाना शुरू कर दूं, डाइवेलेंट आयन का मतलब है कि एक एटम के अंदर से अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, जैसे कि मैग्नीशियम के केस में होता है प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर मैं ट्राइवेलेंट आयन बना दूं, जैसे कि एल्यूमिनियम है प्लस थ्री, प्लस थ्री का मतलब है इसके तीन इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं और प्लस टू का मतलब है कि इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो वो कहता है जी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे आयनिक रेडियस जो है वो और भी कम होता जाएगा, आयनिक रेडियस विल फर्दर डिक्रीज। और उसकी वजह यही है
कि आपके पास न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उन्हें ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा और उनका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। तो रीज़न वही है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ज़्यादा फोर्स बन जाएगी न्यूक्लियस की, तीन निकलेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो मज़ीद डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये था कि कैटाइन का जो रेडियस है दैट इज़ स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस, ये पहली चीज़ जो हमने इस चैप्टर में सीखी। गोइंग ऑन टू दी एनायंस विच आर दी नेगेटिव आयंस, इसका ट्रेंड उल्टा होगा। जो एनायंस का रेडियस है दैट इज ग्रेटर देन दी एटॉमिक रेडियस, जिससे वो मिलके बना है, जिसका वो एनायन है उसके एटॉमिक रेडियस से उसका रेडियस एनायन का जो है वो ज़्यादा होगा। वो कहता है जी कि क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन -1, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो होता है 181 पिकोमीटर, और अगर क्लोरीन एटम की बात की जाए तो वो होता है 99 पिकोमीटर। मतलब जब भी क्लोरीन एटम Cl- बनेगा तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाएगा, जबकि सोडियम के केस में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था। तो एनायंस के केस में ये उल्टा काम करेगा, एनायन के केस में उसकी जोन सी है वो बढ़ जाएगी। अब इसकी वजह क्या है उसके बढ़ने की? उसकी वजह ये है कि आपके पास अगर मैं क्लोरीन को ड्रॉ करूं, यहाँ पे क्लोरीन होता है 17, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या होगा 7। तो आपके पास ये क्लोरीन 17 जो है ये पूरा हो जाएगा, इसका है 99 पिकोमीटर। अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उठा के इसके अंदर ऐड कर दिया और अब ये बन गया Cl-1, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 पुराने, और एक ये वाला जो हमने ऐड किया था। अब हुआ क्या कि न्यूक्लियस का चार्ज तो उतना ही है, इस न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन है, इधर भी 17 प्रोटॉन ही हैं, लेकिन बाहर वाले शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे मगर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जाहिर सी बात है कि एक शेल के अंदर पहले 7 थे अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये इफेक्ट हम पहले भी स्टडी करके आए हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अमल में आएगा, ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर आ जाएंगे, जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपके पास शेल का डिस्टेंस जो है वो अब ये नहीं रहेगा, वो ये बन जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। यही वजह है कि क्लोरीन 17 तो 99 पिकोमीटर पे था, लेकिन Cl- जब बना तो इसका जो चेंज आया इसके अंदर वो 181 पिकोमीटर पे चला गया। उसकी वजह क्या थी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाज वर्किंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ, सिमिलरली क्या होगा कि ये तो क्लोरीन था ना -1, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ -2, तो क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं ऑक्सीजन के अंदर ऐड हुए, सिमिलरली क्या होगा इसका एटॉमिक रेडियस जो होगा, सॉरी एनायनिक रेडियस जो होगा वो डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट एनायंस के केस में फर्दर इंक्रीज करेगा। ग्रेटर द साइज ऑफ द नेगेटिव चार्ज -3, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ या ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ
एनायनिक रेडियस। तो साइज ऑफ आयन जो है नेगेटिव आयन वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ेगा, जबकि उसमें उल्टा हो रहा था, जैसे जैसे पॉजिटिव आयन का चार्ज बढ़ रहा था कैट आयन का रेडियस कम हो रहा था। उसके रीज़न दोनों की हमने यहाँ पे डिटेल में जो है वो स्टडी कर ली है। अब हम यहाँ पे एक जो है छोटा सा रिलेशन जो है वो डिराइव करेंगे, और वो ये है कि अगर आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड अगर आप याद करें तो उसके अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव आयन का रेडियस और नेगेटिव आयन का रेडियस, बेसिकली दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दिस इज नेगेटिव आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन, नेगेटिव। तो आपके पास जो है आयनिक सॉलिड्स जो बन जाते हैं या आयनिक कंपाउंड जो से हैं वो बन जाते हैं। तो अब अगर हम दो आयन्स का इंटर आयनिक डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें, इंटर आयनिक डिस्टेंस जिसको वो आपकी बुक में आर कह रहा है, ये क्या है, ये दो ओपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के दरमियान मौजूद डिस्टेंस का नाम है। ये आर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ओपोजिटली चार्ज, दिस इज नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस इज आर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट ओपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। अब वो क्या किसके बराबर होता है, द आर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द पॉजिटिव आयन प्लस द रेडियस ऑफ द नेगेटिव आयन। दिस इज द रिलेशन जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। पॉलिंग वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। पॉलिंग ने क्या किया, उसने के पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव ये दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं दैट इज़ KCl, इसने क्या किया, पोटाशियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस से जो है इनका इंटर आयनिक डिस्टेंस फाइंड आउट किया कि KCl पूरे कंपाउंड का जो डिस्टेंस आर था वो निकला 314 पिकोमीटर। और जब उसने इसका पॉजिटिव आयन का रेडियस और नेगेटिव आयन का रेडियस अलहदा अलहदा फाइंड आउट किया तो इसका 133 पिकोमीटर था और इसका 181 पिकोमीटर था। तो फिर उसने जब इन दोनों को एड अप किया तो उसके पास उतना ही निकला जितना कि पूरे कंपाउंड का रेडियस था। तो इससे साबित क्या हुआ कि पॉजिटिव आयन का रेडियस और नेगेटिव आयन का रेडियस दोनों जमा हो जाते हैं तो आपके पास कंपाउंड में इंटर आयनिक रेडियस आर जो है वो निकल आता है। ही प्रूव्ड दिस इक्वेशन ट्रू। और इस इक्वेशन की फायदा क्या हुआ, इस इक्वेशन का फायदा ये हुआ कि आपने डिफरेंट एनाइंस एंड कैटाइंस के रेडियस फाइंड आउट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे पास ए बी एक आयनिक कंपाउंड है और इसका जो आयन डिस्टेंस आर है वो मेरे पास 100 है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे पता है कि ए जो है ये पॉजिटिव आयन है, बी जो है वो नेगेटिव आयन है। इस नेगेटिव आयन का मुझे पता है कि 20 इसका डिस्टेंस है, रेडियस है, तो मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने में ये इक्वेशन हेल्प आउट करेगी, आर इज इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। तो मेरे पास यहाँ से कैट आयन का डिस्टेंस जो है वो निकल आएगा जो कि होगा 80। तो इस इक्वेशन की मदद से वो तमाम आयन्स, चाहे वो कैट आयन्स थे या एन आयन्स थे, जिनके डिस्टेंसेस या जिनके रेडियसेस, रेडियाई जो है वो हमें मालूम नहीं थे, वो इस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट कर लिए कि उसके किसी कंपाउंड का आर फाइंड कर लिया डिफरेंट टेक्निक से, और उसके साथ मौजूद रेडियस जो एटम जो आयन है उसका रेडियस लिटरेचर से उठाया और थर्ड पार्टी का रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली दिस इक्वेशन कैन हेल्प अस टू डिटरमिन द रेडियस ऑफ द कैट आयन्स और द एन आयन्स, जिसका भी आप फाइंड आउट करना चाहें। तो ये एक जनरल टर्म जो सी थी उसने
पॉलिंग ने डेवलप की और उसको प्रूव भी किया। तो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ टुडे अबाउट द एटॉमिक आयनिक रेडियस के क्या होते हैं, और कैटाइन का रेडियस जो है वो बनने के बाद एटम से कम हो जाता है और एनायन का रेडियस बनने के बाद ज़्यादा हो जाता है, और उसकी तमाम रीजनिंग हमने इस टॉपिक में कवर की हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।